आज मैं आपके लिए झटपट बनने वाली आलू और लौकी की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये लौकी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है क्योंकि हमने इसमें आलू ऐड किए हैं और ये फटाफट बन जाती है क्योंकि इसे हम कुकर में बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो लौकी ली है और एक बड़े साइज़ का आलू लिया है। तो लौकी और आलू को सबसे पहले हम छिल के साफ धुल के काट लेंगे। तो ये लौकी काफ़ी पतली है तो इसीलिए मैंने दो ली है, पतली और छोटी है, वेट में आधा किलो ही होगी। दो टमाटर है उसका हम पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो गैस पे मैंने कुकर चढ़ा दिया, उसमें दो चम्मच सरसों का तेल ले लिया है, तेल गरम हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच राई, इसे मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं, एक चुटकी हींग और एक साबुत लाल मिर्च ली है। फिर तड़का हम अच्छे से होने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक प्याज जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है और इसका थोड़ा कलर चेंज होने देंगे। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी एक से दो मिनट के लिए हम भून लेंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए। ये सब्ज़ी फटाफट बन के रेडी हो जाती है लेकिन टेस्ट इसका एकदम अमेजिंग आता है। तो अब यहाँ पे मैंने मसाले ऐड किए हैं। तो एक छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है, एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे मैंने ऐड किया है। इस स्टेज पे मसाले ऐड करने से क्या होता है कि मसाले तुरंत ही भुन जाते हैं, इनका कच्चापन निकल जाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए तुरंत ही मसाले भुन चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर लेंगे और जैसे ही हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे वैसे ही हम तुरंत इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो नमक आप स्वाद अनुसार ऐड करें। फिर हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और टमाटर पकने तक इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि इसमें से ऑयल ना रिलीज़ होने लगे। ये देखिए ऑयल इसमें से रिलीज़ होने लगा है। फिर हम यहाँ पे दो हरी मिर्च लेके ऐड कर लेंगे, इसे मैंने लंबाई में काटा है, आप चाहें तो बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं। फिर ये जो आलू और लौकी मैंने काट के रेडी की थी वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए लौकी बहुत ही ताज़ी है ये, तो इसे मिक्स कर लेंगे हम, एक से दो मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए लगातार ऐसे ही चला लेंगे। कुकर में ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन के रेडी हो जाती है। फिर हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी ऐड किया है इसमें क्योंकि लौकी अपना पानी छोड़ती है, तो इसीलिए इस स्टेज पे आप पानी बहुत ज़्यादा ऐड ना करें वरना आपकी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगी क्योंकि लौकी में अपना खुद का भी पानी होता है। फिर हम यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मिक्स करेंगे और इसका ढक्कन बंद कर देंगे, एक सीटी हाई फ्लेम पे आने देंगे, दो सीटी लो फ्लेम पे आने देंगे, उसके बाद प्रेशर इसका खुद ब खुद खुलने देंगे। तो ये देखिए खुद ब खुद इसका प्रेशर खुला है और ये कितनी अच्छी सब्ज़ी बन के रेडी हुई है। तो लास्ट में हम इसे धनिया की पत्ती के साथ गार्निश करेंगे। इस सब्ज़ी में आलू ऐड करने से क्या होती है कि इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है और ये बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आप आलू को चाहें तो ऐसे इस स्पैचुला से थोड़ा प्रेस करके भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए आप इसे रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं।